नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में सामने आया है जहां 20 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हो जाने का घटना की सामने आई है। बताया जा रहा है कि गोला रोड मोड़ के पास न्यू ग्रीन हेरिटेज कम्युनिटी हॉल में 21 नवंबर की रात गोला रोड के रहने वाले अरुण कुमार सिंह की बेटी की शादी थी। बारात पटना के ही बोरिंग रोड की मॉन्टेसरी गली से आई थी। अरुण कुमार सिंह की बेटी की शादी उपेंद्र कुमार सिंह के बेटे प्रिंस के साथ थी। दूल्हे के भाई प्रणव प्रताप सिंह के अनुसार चोरी की वारदात देर रात 2 बजे के करीब की है, जब किसी ने 20 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। हाँ निकला ये। अच्छा वो गया, फिर कचरे वाले आए क्या? रिकॉर्डिंग करके आज सबको व्हाट्सएप कर दीजिएगा भैया। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।